वेलकम टू सोशल। हमने हमेशा से ही इंडियन सिनेमा में कई बिजनेस रिलेटेड फिल्म्स देखी हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जॉनरा है, क्योंकि लोगों को जहां ये एक तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ट्रू नेचर दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ अ ग्रेट स्टोरी गिव्स यू एन इंस्पिरेशन ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑफ योर ओन। एटलीस्ट अ गुड बिजनेस फिल्म गिव्स यू अ रियलिटी चेक ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 बेस्ट बिजनेस फिल्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। This is going to be a very interesting video. इसीलिए आपसे request है कि इसे एंड तक जरूर देखें। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। Number 10, बाजार। बाजार might not be a great film cinematically, but in the point of business, it does get certain things right. फिल्म में हम एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी देखते हैं, एंड वी सी व्हाट पावर ऑफ मनी कैन डू टू अ पर्सन। सैफ अली खान फिल्म में एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टॉक इन्वेस्टर का रोल प्ले करते हैं, जो फायदे के लिए किसी भी लेवल पर जा सकता है। द फिल्म शोज अस द डार्क साइड ऑफ अ बिजनेस, जिसमें करप्शन, हरासमेंट एंड चीटिंग हर चीज पॉसिबल है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, पैसा उसका जो धंधा जानता हो, और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो। नंबर 9, सुई धागा मेड इन इंडिया। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनकी स्टोरी सीधे आपके हार्ट को टच करती है। सुई धागा एक ऐसी ही हार्ट वार्मिंग मूवी थी, अबाउट अ कपल जो कि अपना खुद का स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करने का प्लान करते हैं। ये काफी ऑथेंटिक फिल्म थी, वेयर वी गेट टू सी द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय पीपल हु ट्राई टू स्टार्ट देयर स्मॉल स्टार्टअप्स। इट इज वेरी सैड कि आज कोई भी सुई धागा के बारे में बात नहीं करता है। This is one of Team Social's favorite films, and we feel every cinephile should watch it at least once. कुछ महीनों की तो बात है बाबूजी, थोड़ा काम चल पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसके काम चलने के इंतजार में अम्मा बाबूजी चल बसेंगे, फिर यहीं बैठ के कफन सिलता रहियो। Number 8, Corporate. मधुर भंडारकर डायरेक्टेड फिल्म कॉर्पोरेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस फिल्म्स मेड इन बॉलीवुड। फिल्म का नैरेटिव टू राइवल कॉर्पोरेट कंपनीज के अराउंड रिवॉल्व करता है। वी सी हाउ दीज टू कंपनीज आर इन्वॉल्वड इन अ कॉर्पोरेट वॉर एंड हाउ दैट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज। द स्टैंड पॉइंट ऑफ कॉर्पोरेट वॉज इट्स हार्ड हिटिंग राइटिंग, जहां मधुर भंडारकर ने ईयर 2006 में ऑडियंस को एक कॉर्पोरेट कंपनी की रूथलेस रूल्स और टॉक्सिक वर्क कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया था। इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस फिल्म, देन वी श्योरली रिकमेंड यू टू वॉच इट। एक आदमी का काम 50 आदमी मिलके टेबल पे बैठ के खराब करते ना, उसको कॉर्पोरेट बोलते। Number 7, बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात has a very unconventional story. हम स्टोरी में देखते हैं कि कैसे वेडिंग प्लानर्स को एक सक्सेसफुल वेडिंग पुल ऑफ करने के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। यही नहीं, वी ऑल्सो सी दैट लाइक ऑल अदर professions, यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन और एक दूसरे की कंपनी के साथ कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा है। इट इज बिलीव दैट बैंड बाजा बारात इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल टू एंटर द वेडिंग बिजनेस एंड बिकम वेडिंग प्लानर्स। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड आवर इंडस्ट्री, क्योंकि इसके बाद से हमने कितनी सारी मूवीज और शोज देखे हैं ऑन द लाइफ ऑफ वेडिंग प्लानर्स। तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? बिल्कुल नहीं जी, बस पार्टनर है, रेंटिंग। नंबर 6, कलयुग। कलयुग एक 1981 फिल्म है, जिसे लेजेंडरी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। द प्लॉट ऑफ द फिल्म वाज बेस्ड अराउंड टू राइवल बिजनेस फैमिलीज हु आर इन्वॉल्वड इन अ कॉर्पोरेट वॉर। यहाँ पर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये था कि कलयुग की स्टोरी एक्चुअली इंडियन एपिक महाभारत का मॉडर्न डे अडेप्टेशन थी। वी ऑल वेरी वेल नो कि महाभारत कितनी कॉम्प्लेक्स और वास्ट है, और उसे एक फिल्म में अडेप्ट करना इज नॉट एन ईजी जॉब, बट दैट्स वॉट द मेकर्स डिड हियर। They not only adapted it skillfully, मगर उन्होंने उसको एक corporate war की setting दी, और यही element कलयुग को इतना unique बनाता है। कलयुग was a critically acclaimed film of that era and one of the best as well. I mean after all, चचेरे भाई हैं आपके। चचेरे भाई? Shit, दोगले हैं सबके सब। Number 5, स्वदेश। स्वदेश वैसे तो एक social drama film है, but if you analyze closely then you will realize ki kahin na kahin it talks about being entrepreneurs for social change. Jaisa ki hum dekhte hain movie mein Mohan Bhargav NASA ki job chhodkar ek rural town mein kaam karne ka decision leta hai. He decides to work for the betterment of his country and the people who gave him everything. Swadesh tries to show us ki har kaam sirf paison ya business banane ke liye nahi kiya jata. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल चेंज के लिए काम करते हैं। हम सब ऐसे कितने सारे लोगों को जानते हैं हु आर लाइक मोहन।
इनफैक्ट ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको स्वदेश ने इंस्पायर किया था टू लीव देयर हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स एंड स्टार्ट समथिंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वल्नरेबल कम्युनिटीज। एक्सक्यूज मी, परंपरा और संस्कार के बिना हमारा देश यूं होता जैसे आत्मा बिना शरीर। नंबर 4, जेकोबिंटे स्वर्गराज्यम। ये एक मलयालम फिल्म है जो एक बिजनेसमैन की स्टोरी आपको दिखाती है। हिज बिजनेस स्टार्ट्स टू गो थ्रू क्राइसिस और यहाँ पे कैसे उसका बेटा उस बिजनेस को रिवाइव करता है ये फिल्म में दिखाया जाता है। व्हाट्स गुड टू नोटिस इन दिस फिल्म इज कि इसमें एक बिजनेसमैन की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों रियलिस्टिकली दिखाई गई है। A businessman who is ethically strong in his work, but at the same time is vulnerable in front of his family. Naveen Pauly ne Jerry ka character play kiya hai, who takes up the challenge to establish their business again. Ye film aapko surely dekhni chahiye. Thottadana office unda thaane engottu unduva. Sir, idu enna ente office. Number 3, Rocket Singh, Salesman of the Year. There are movies which are way ahead of their times. And Rocket Singh is one such movie. The plot revolves around a college graduate जो कि एक सेल्स कंपनी में एज अ ट्रेनी काम करता है। फिल्म में कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि ये कंपनी जहां वो काम कर रहा है इट इज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन एंड इमोरल बिजनेस प्रैक्टिसेस। इस करप्ट सिस्टम को चेंज करने के लिए वो खुद की एक कंपनी शुरू करता है एंड दिस डिसीजन चेंजेस हिज लाइफ फॉरएवर। एवरीथिंग अबाउट रॉकेट सिंह इज पिच परफेक्ट। Even in terms of history, this was the first mainstream film जिसकी storyline एक office setup में दिखाई गई है। इस film ने कहीं ना कहीं कई लोगों को inspire किया था to open startups and try their luck. आप भी हमें बताएं कि आपको Rocket Singh कैसी लगी थी? Do let us know in the comment section. ऐसा क्या करती है ये Rocket Sales Corporation कि तुम्हारी commission से फूली हुई नाकों के नीचे से clients ले जाती? Number 2, Sorarai Potaru. Inspired by a real-life story, Sorarai Potaru tells us a story of building a business in the most emotional way. Ek aadmi decide karta hai ki wo ek low-costing airline banayega. Par uske vision ke beech hamesha business ke bade players conspiracy karte hain. But he never loses hope. The film shows us ki failures ke baad bhi kaise aap apne dream ke liye hopeful rehte ho. In a way, the film tells you to dream and never look back. और आप 1,000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे? 1,000 नहीं, 1 रुपए में। लगता है कौड़ियों के दाम बिक जाएगा। नंबर 1, गुरु। मनी रत्नम डायरेक्टर फिल्म गुरु हमें एक क्लॉथ ट्रेडर की स्टोरी दिखाती है। द नैरेटिव फॉलोज द क्लासिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अंडरडॉग एज वी सी कि कैसे गुरु ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाता है। वी ऑल्सो सी कि कैसे उसकी इस रैग टू रिचेस जर्नी में उसके क्लोज वंस उससे दूर हो जाते हैं। मेकर्स ने मूवी के इस एलिमेंट पर बड़ा फोकस किया है as it tries to portray the arrogance and selfishness of Guru after he becomes successful. Guru ki screenwriting ki yahi layering usse aaj bhi utna hi relevant banati hai. That is why we have kept it on the number one spot. To kya apna sapna pura hua? तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं एट सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।